इन्वेंटिंग राजोसनी कौन सी कितना बीज किस फसल का कहाँ जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह का जो डाटा चाहिए वो पहले से हमारे पास हो। और फिर क्वालिटी सीड, क्योंकि क्वालिटी सीड के बिना प्रोडक्शन होता नहीं। किसान पहले अपने से सिलेक्शन करता था, अलग से भंडारण करता था, अलग से उसके विनोइंग या हार्वेस्टिंग करके रखता था। जो बात करती थी उसके अपने मिट्टी के गाय के गोबर से राख या बालू रेत डाल करके भंडारण करता था ताकि अगले सीजन तक नमी ठीक रहे, उसके सीड की जो वायबिलिटी है वो प्रॉपर रहे। तो आज वो किसानों के पास रही नहीं, ये पैक का बात आ रही है, तो वो सारी चीज़ें आज किसान से आज इस तरह की स्थिति में बाजार के हवाले करके हम खेती को बचा पाए तो वह संभव नहीं लगता। जरूरी है, हमारे डॉक्टर साईंदास जी मेरे बड़े भाई है, हमारा सब्जेक्ट भी एक रहा है, मेरे से सीनियर भी थे, ये फाइनल ईयर में थे, हमने जब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो इनका जो काम मेज के ऊपर आया है वास्तव में एक गति थी। हम पढ़ते थे डबल क्रॉस हाइब्रिड की, ही इज दी मैन जो सिंगल क्रॉस को कामयाब करके दिखाया है मेज में, क्योंकि उसका जो स्टेमन है जब इन्फ्लोरेसेंस है ऊपर पे आता है वो नीचे लगता है, तो हाइब्रिड बनाना बहुत आसान है। उसमें इकोनॉमिक नहीं होता था कि उसके क्रॉस ज़्यादा ये करते, तो उन्होंने सिंगल हाइब्रिड कामयाब करके दिखाए जो वर्ल्ड में एक तरह सब नया कंसेप्ट उन्होंने दिया है। तो ऐसी फसलों में जहाँ हम हाइब्रिड आवश्यक हैं, सहज हैं, वहाँ जाएं। और वो केवल जिस तरह से कि भी हरियाणा ने भी प्रयास शुरू किया है कि अपने सीड विलेज का जो कॉन्सेप्ट चला है 20 ग्राम अपने आसपास की जरूरत इसके लिए करें, उसके लिए नौजवानों के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग चलाया है कि वॉलंटियर फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए तरुण गर्भित, ऐसे हर ब्लॉक स्तर तक उसकी प्रशिक्षण उन्हें 5-5 दिन के ग्रामों के लिए 100-150 तक के उसमें युवा की होती हैं हमारी बहनें आकर के लिए सीखें, क्योंकि ग्राम विकास के लिए हमें आगे, क्योंकि भारत का आत्मा ग्रामों बस्ती है, महात्मा गांधी ने कहा, और उस आत्मा की खुशहाली कृषि पे और कृषि जो थी हमारे पशुधन पे, तो हरियाणा सरकार ने इसके प्रकार से पशुधन को बढ़ावा देने के लिए भी, पशुओं का जो मुख्य उत्पाद ही दूध के लिए नहीं था वास्तव में, दूध तो उसका क्या है, उम्र के बाद आएगा, साल में 6-7 महीने उसका दूध उपलब्ध होगा, मुख्य उत्पाद उसका गोबर मूत्र है। आज गोबर मूत्र से हम अटकर के रसायनों की तरफ बढ़े हैं, तो ये रसायनों ने कहीं ना कहीं जो कहे कि फूड सिक्योरिटी से आज बात इसीलिए सेफ फूड की होने लगी है, वी नीड सेफ फूड, वो आएगा तब जब हम अपनी जैविक खेती को बढ़ेंगे। और जैविक खेती क्योंकि शुरू में जब हमने प्रारंभ किया, आज भी दुनिया देख रही है कि भारत में उसका पोटेंशियल है, जो हमारे पेस्टिसाइड का कहें या फर्टिलाइजर का कहें, ये जापान जैसे देश जो हमसे बहुत कम है, यानी एरेबल लैंड जो कल्टिवेबल लैंड है वो हमसे बहुत कम है, किंतु उनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का, हमारे यहाँ कम है फिर भी, किंतु जुडिशियस यूज नहीं है। तो उसके बारे में किसानों को प्रशिक्षण देकर कि कब डालना आवश्यक भी है तो ये जरूरी है। और बीज की बात, क्योंकि पहली जरूरत है, पानी भी है, तो समय पे बीज की उपलब्धता है, उसके बिना तो खेती हो नहीं सकती, कोई भी फसल नहीं। बीज से मतलब हमारा कोई भी प्लांटिंग मटीरियल है, क्रॉस परेड क्रॉप्स में या जो ऐसे एक्चुअली प्रॉपर्टी चीड है, हाइब्रिड का है, कटिंग्स का है, सीड्स का मल्टीप्लीकेशन का है, टिश्यू कल्चर से है, रक्त बीज हमने सुना ही है, तो ऐसे जो हानिकारक कोई इस प्रकार से आए तो माँ काली अवतार को लेना ही पड़ेगा, जो रक्त बीज को समाप्त हो जाए। आज देख रहे कांग्रेस ग्रास किस तरह से पीयर फोर्टी के मीट के माध्यम से आ गई है, लेंटा ना कैमरा एक समस्या बन गई है। कांग्रेस आज तो किसी भी नहीं, वैसे तो प्रकृति के लिए कहते हैं, जो भी कोई हमारी वेजिटेशन है कहीं ना कहीं उनका उपयोग है, हर एक का बीज है, जंगल से हमने खेती प्रारंभ की, उनका डोमेस्टिकेशन किया, उसको प्रकृति से सीखने की है। मैं केवल एक बात और कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा, धान और गेहूँ हमारी मुख्य अन्न है, किंतु एक बात समझने की इसमें जरूरत है, प्रकृति ने धान का जो दाना बनाया है, बनाने के लिए 6 अंतर दिए कि नहीं,
और गेहूं के बनाने के लिए ती ग्रैमिनी घास कुल के पौधे हैं दोनों। तो घास कुल में ज्यादातर में तीन एंथर्स होते हैं दाना बनने के लिए, ज्यादातर में घास कुल के, जिसमें गेहूं आ गया, जौ आ गया, ज्वार आ गई, मक्की का भी यही है, उसका तो तसल्लुक करेंगे थोड़ा सा, बाकी कोई भी ये ले जाए भी है। तो इनमें सारों में तीन है, धान में ये छह है, तीन और छह 36 का आंकड़े की फसलें हैं। सरकार की पॉलिसी में इस दोनों का ही खरीदने का प्रोक्योरमेंट करते हुआ है, जहाँ धान की खरीद हो रही है वहां गेहूं की क्यों हो, जहाँ गेहूं की होती है वहां धान की क्यों हो। मैम हमारे लुधियाना के पढ़े हुए जानते हो पानो साहब, तो वो सिंचाई विभाग में सचिव थे, अब कृषि विभाग में सचिव, कह रहे थे यादव जी जब धान गेहूं हमारे हरियाणा पंजाब का भोजन नहीं है तो इस खेती की तरफ क्यों बढ़ाया, तो खेती बर्बाद करने के लिए ये धान गेहूं जो हमारी एक नीति में आए हैं ना, तो उस पर सोचने की जरूरत है। तो हम ये नहीं चाहते कि भी आज के दिन कोई इनका विकल्प बिना, किसान को हमें पहले बेचारा लाचार स्थिति में पहुंच गया है, भारत सोने की चिड़िया उसकी खुशहाली से था, उसको दोबारा खुशहाल बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हरियाणा सरकार प्रयासरत है। पेस्टिसाइड के यूज से जो कोई भी हम वैज्ञानिक नई किस्में लाते हैं तो उसमें उत्पादकता या तो ज्यादा ज्यादा 5-7% बढ़ोतरी बड़े होंगे जी उत्पादकता है, या उसमें कोई विशेष गुण होगा जैसे उसका बायोफोर्टिफिकेशन की इसमें ये जरूरत है, ये जरूरत है, इसमें ये ग्रोथ ज्यादा है, किसी कीट पतंग की बीमारी की उसमें कैंसर का ज्यादा है, ये मधुमक्खी ऐसा कीट में कोई भी किस्म है शायद से 10-15-20% उसकी उत्पादकता बढ़ाती है। आज उसका अपनी आ रही है हमारे भाई गोविंद जी साथ में बैठे हैं, इन्होंने अपना एक हाई का केंद्र में मशरूम के साथ साथ शहद का भी प्रोसेसिंग का काम देख रहे हैं, तो शहद में 100 times पोटेंशियल उसकी बढ़ोतरी के हमारे प्रधानमंत्री जी मधु क्रांति की बात करते हैं। ऐसा किसानों का हितेशी कीट आज उसके जीवन खतरे में पड़ गया है, और प्रति व्यक्ति इसके कंजम्पशन की बात करें तो हमारे केवल 20 ग्राम भी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में इसका नहीं है, जबकि कम से कम 2 किलो में उसको होना चाहिए। तो ऐसे उसमें 100 गुना तक तो हर व्यक्ति उसको बढ़ा सकता है अपनी खपत। मल्होत्रा जी थे वो कहते थे कि बी जो बोर्ड है नेशनल बी बोर्ड उसका उन्होंने ये काफी गति दी है, तो अभी है नहीं तो बाकी उसमें तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बात बीज की आ गई, तो बीज की हमारे अपने जहाँ जिन फसलों में आवश्यकता है हाइब्रिड की, तो वहाँ जीएम क्रॉप्स तो बिल्कुल में चेयरमैन साहब आपसे विनती है, क्योंकि टॉपिक आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब लोग फिर में अगेन दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द थिंग, लेट अस ओनली कंसंट्रेट ऑन सप्लाई सिस्टम। थैंक यू, मैं उसी पे आया। नहीं तो जीएम नो यू हैव अथॉरिटी बट मेंबर्स विल हैव मिसअंडरस्टैंडिंग। जीएम क्रॉप्स का जैसे बनता है ना ओनली सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो सीड क्योंकि बेसिक जरूरत है उसके, ये करते हुए मैं अपनी बात को यही कहते हुए कि जीएम क्रॉप्स पे सोचना पड़ेगा, इस प्रकार की सारे दैट इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सीड सप्लाई में बताया था कि उसकी टाइमिंग की बात है, जोन स्पेसिफिक है, उसकी इंडेंटिंग पहले से हो, कितना बीज किस क्षेत्र में चाहिएगा, और विशेषतः मैं बात ये आ रही थी कि भाई हम किचन गार्डनिंग के लिए कुछ ऐसे कि जो लो वॉल्यूम में ज़रूरत है, ऐसे में क्या हम अपने सीड सप्लाई के लिए वेंडर जो अखबार से उसमें काटता है एक छोटे से पाउच में 2 घिया के बीज, 6 टमाटर के डाल के, 4 मिर्च के डाल के, छोटा सा सीजनल दिया जा सकता है कि कैन वी थिंक सप्लाई लाइन में उसको देते हुए हर घर में पहुंचे ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र विशेष से, ताकि हर व्यक्ति अपने किचन गार्डन की तरफ बढ़े और ये दिशा में काम हो। आई थिंक कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो बनी रहेगी, सबको सेफ फूड की तरफ हम मिलेंगे जो पहली आवश्यकता। थैंक यू। हमारे बीच सेम भी है
नेशनल उनको तो ऐसा है लस्सी नेचर सीड कॉर्पोरेशन डॉक्टर वी के गौर साहब है और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े किसान हैं क्योंकि इनके पास में सबसे अधिक जमीन है एनएससी के पास में भारत में सबसे अधिक जमीन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सर्वाधिक आक्षेप झेलते हैं सुबह से भी हमने बात करी तो कि पब्लिक सेक्टर से हमें जितनी उम्मीद है उतना सीट नहीं मिलता है टाइम से सीट नहीं मिलता है इनसे जब व्यक्तिगत रूप से हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि सीट हमारे पास में है हमें खरीदार नहीं मिलते देखिए मतलब कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है हम कहते हैं सीट नहीं मिलता है हमें पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े अधिकारी कहते हैं हमारे पास में सीट है हमें खरीदार नहीं मिलते इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी के अंदर डेप्स है हमने इनको इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी है कि ये अपनी मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर बाजार के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं प्राइवेट सीड कंपनी अगर किसी डीलर को 50 रुपया पर केजी का अगर इंसेंटिव दे रही है ये अगर 10 रुपये किलो का देंगे तो कोई जो है उसको इनके मार्केटिंग नहीं करेगा वो सब जो है वो क्योंकि उनको अधिक कमाना है उनको क्या इनके हाथ सरकार ने इतने खोल रखे हैं किसी पॉलिसी के माध्यम से कि ये जो है उसमें कहीं कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या इनके पास में इतनी कैपेसिटी है वेयर हाउसेज हैं जहाँ की उसका स्टोर कर सकते हैं क्या इनके पास में इतना मैन पावर है जिससे कि ये सप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके ऊपर कोई वाइट पेपर जो है आज तक एनएससी ने भी देने की कोशिश करी है कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है अगर उनको ये रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करी जाए उनको ये अगर पॉलिसीज के अंदर इश्यूज उनके समाधान किए जाए तो ये अश्योरिटी के साथ में ये कह सके कि हाँ हम इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं हम बुरा नहीं हम इतना परसेंट दे सकते हैं दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है कि हाई वॉल्यूम क्रॉप्स के लिए एनएससी है अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो जो लो वॉल्यूम क्रॉप्स हैं वेजिटेबल के सीड्स हैं फ्रूट्स का जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके अंदर तो एनएससी कहीं डील ही नहीं करती है उसमें तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सीएम साहब अभी हमें एड्रेस करेंगे और उसके साथ साथ में ऐसी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कि अगर समाधान होता है किसी भी माध्यम से तो एनएससी भी एक जो है एक किसी भी सीड कंपनी को टक्कर दे सके इतना उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वी के गौर साहब से कि पहले वो अपनी बात रखें और फिर इनके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हम सब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़े मन से Dignitaries on the dais of the dais. सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे सुबह यहाँ पे मेरे ख्याल से 10:30 बजे बोलना था तो जैसे कि यादव जी अभी शुरू कर रहे थे आज छुट्टी का दिन है पर हमारे देश की सरकार आज इतनी किसानों के प्रति जागरूक है कुछ पेपर में निकला था और उसके बाद जो है सुबह से ही सारी मिनिस्ट्री में सो वी आर सो अटेंटिव टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ फार्मर्स कहीं पे कोई शॉर्टेज हो रही है कहीं कुछ हो रही है तो उसको बड़े माइन्यूटली मॉनिटर किया जा रहा है तो इसलिए सुबह से हम जो है अभी बस जस्ट फ्री हुआ तो मैंने फ़ोन किया था सबको कि भाई मैं लेट तो हो गया हूँ लेकिन आना है क्या करना है बोले नहीं ज़रूर आइए तो बेसिक इश्यूज जो हैं कि सरकार आज बहुत ही अटेंटिव है यदि कोई इश्यू आता है तो उसको एटलीस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अब और कितना डिलीवर हो पा रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी कॉम्प्लिकेसीज हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि ये फैक्ट्री नहीं है कि जितना इनपुट डालो उतना आउटपुट आएगा क्योंकि यहाँ कई बार इनपुट डालते हैं और आउटपुट जीरो होता है क्योंकि कई चीज़ें ये हैं कि जो हमारे किसान या हमारे भी उसमें नहीं है और जैसे कि मेरे को इंट्रोड्यूस ही किया कि सबसे बड़ा किसान हूँ मैं सच्चाई भी है कि हम 22,000 हेक्टेयर जो ज़मीन हमारे 5-6 फार्मों में है उसको हम हैंडल कर रहे हैं और ख़ुद खेती करते हैं और उसको आगे उस पर काम कर रहे हैं बेसिकली जो बीज पे
मुझे बोलने को कहा था कि सीड की अवेलेबिलिटी और सीड में क्या है, तो मैं नट सेल में कुछ एक जो आप लोगों को पता होगा कि डबलिंग फार्मर्स इनकम में भारत सरकार ने दलवाई कमेटी बनाई थी, तो उसमें किसान की आय दुगनी कर 2022 तक दुगनी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है, तो उसमें हमने दोनों साइड से उसको स्टडी किया, आउटपुट साइड से और इनपुट साइड से। तो इनपुट साइड में जो एग्रीकल्चर इनपुट्स में से जो सीड डिवीजन था वो मेरे को दिया गया था, तो बेसिकली मैंने उसी पे अपना जो जो मेरे विचार होंगे वो उसी पे कंसंट्रेट किए हुए हैं जो मैंने उसमें लिखा है, और जो हमारी उस सीड कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भई हम कैसे आगे बढ़े, तो उसके कुछ एक पॉइंट्स जो है हमने वो किए हैं, उसको समाप्त करने की कोशिश की है, कहाँ तक सक्सेस होते ये तो आप लोग जज कर पाएंगे। ये शुरुआत की है हमने कि भाई जो हमारा ब्रीडिंग सिस्टम है पब्लिक सेक्टर का, उससे क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, पर और काफ़ी हमारे साई दास जैसे साइंटिस्ट जो मेज में हमारे हाई प्रोटीन मेज का, और काफ़ी मैं भी 2-3 साल से मेरा उनसे सामने सानिध्य रहा उस टाइम पर जब वो हमारे SFCI के बोर्ड में थे, तो पर ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ और जो हम अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो ब्रीडर सीड का इश्यूज है वो भी हम फ्लैग अप कर रहे हैं। सब ब्रीडर सीड का जो हमारा सिस्टम है ICR का, सीड जो वैरायटी है वो किसी साइंटिस्ट के नाम से ना हो। दिक्कत क्या आ रही है कि सपोज डॉक्टर साई दास ने कोई वैरायटी निकाली, जब ये चले गए तो उसका सीड की बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने एक सजेशन दिया है कि जो ब्रीडर होगा वो ग्रुप होना चाहिए बजाय कि एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट के, और उस ग्रुप में डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रखे जाए। डिफरेंट एज ग्रुप माने किसी ने ज्वाइन किया है, कोई रिटायरमेंट के तहत, कोई बीच का अवस्था का हो, और वैरायटी जो भी रिलीज हो ग्रुप के नाम से हो, वो ग्रुप जो है ना उसको मेंटेन करेगा। तो उसमें क्या होगा कि यदि एक साइंटिस्ट चला भी जाता है तो उस ग्रुप का जो सबसे बच्चा वाला साइंटिस्ट होगा स्टार्टिंग वाला, ही विल ट्राई टू मेंटेन, और उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होंगे, तो उससे एक तो उनकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग रहेगी उस वैरायटी से, और दूसरा वो मेंटेन करने में आसानी होगी। तो उसको हमने इसमें सजेस्ट किया है कि हम लोग जो ये होगा जो वैरायटी आगे ब्रीडर सीड की जो इश्यूज आ रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ वैरायटी या बिलोंगिंगनेस टू वैरायटी, उसमें हम लोगों ने ग्रुप सजेस्ट किया है, और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट विल रिलीज द वैरायटी, और उसमें वो लोग दे विल मेंटेन, और क्योंकि वो ग्रुप जो है ऐसा ग्रुप है कि उसमें जवान भी है, बुजुर्ग भी है, मीडियम एज भी है, तो वो मेंटेन रहेगी। तो ये हमने अपने ये कहा कि इसको काइंडली मेक ए ग्रुप, और हमने रिक्वेस्ट किया ICR को कि ये ग्रुप के थ्रू ही वैरायटी रिलीज हो, तो उसमें आसानी से ब्रीडर सीड की बिलोंगिंगनेस भी बनी रहेगी। अच्छा, दूसरा जो वैरायटी हम हर साल जो है नए नाम से निकाल देते हैं, इसको हमको पॉपुलराइज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यदि किसी वैरायटी ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो उसको उसी के नाम से इम्प्रूव्ड करके, या सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2, जैसे कि अभी उनने शुरू किया कि जैसे 343 बड़ी कॉमन वैरायटी थी उसकी वीट की, और अब उन्होंने उसका नाम उन्नत 343 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा किसान के पास उसको ले जाने में हमको आसानी होगी, और उसको उससे वो एक सीरीज से चलती रहेगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक वैरायटी जिन पे कि हमें विशेष फोकस देने की ज़रूरत है, हमने कहा उस पर दीजिए, जैसे अभी भी साउथ में हम जो है उमा और ज्योति को नहीं रिप्लेस कर पा रहे, स्टिल जो है कितनी मेहनत कर ली मैंने, एक बार हमने वो सीढ़ी ख़त्म करने की कोशिश की, PMB2 है ग्राउंड नट का, हमने उसको ख़त्म करने की कोशिश की कि भाई नहीं बनाना है ये, लेकिन हम उसको रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे। तो उसमें हमने ये कहा कि भाई इसके यदि माना रही यदि माना जो ज़्यादा पुरानी है उसका ग्लोबल है आदमी, तो इन वैरायटीज में हम क्या इम्प्रूवमेंट आया कि इनकी यील्ड बढ़ जाए, और इसको आप कैसे करें, उस भी हमने यही कहा कि इनको भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए कि ये वैरायटियाँ क्यों नहीं हो रही है। एक कॉन्सेप्ट जो हमने दिया था, और मैं किस्मत से ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट आया था मेरे माइंड में, और ये लखनऊ की सीड कांग्रेस में लोगों ने कहा कि आप ऐसी बात बोल रहे हो कि जब आदमी खाना ही नहीं खाएगा तो रुष्ट पुष्ट कैसे रहेगा। उस समय मैंने ये कहा था, और मैं मेरे को खुशी है कि मैं पिछले 5 दिन पहले हिंदी में था, देयर डेवलप दी वैरायटी, जो कि मेरे लिए उस समय जब मैं सीड कांग्रेस लखनऊ में बोल रहा था तो लोग कह रहे थे कि आप क्या बात कर रहे हो।
मेरा ये कहना था कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए कि जो कम खाके भी ठीक ठाक दे दे, माने हमारा वैरायटी, हमारा जो हाई वैरायटी है वो हाई इनपुट इंटेंसिव वैरायटी है। क्या हम कैसे ऐसी कोई वैरायटी बना लें कि जो कम खाके भी अच्छी दे दे, मीडियम दे दे, ताकि वो ठीक ठाक रहे। और आपको खुशी होगी कि अभी मैं जब दिल्ली गया तो उन्होंने अभी ग्रीन सुपर राइस करके, उन्होंने GSR करके वो डेवलप कर रहे हैं। वो GSR ये है कि मिनिमम इनपुट से वो कितनी हीट देगी और मैक्सिमम इनपुट से वो कितनी हीट देगी। तो जो क्योंकि कृषि है कि इसमें हम जितना इनपुट को घटा के रखेंगे उतना ही हमारा रिस्क कवर रहेगा। पहले सुसाइड क्यों नहीं होते थे, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी नहीं थी। मेरा अपना मानना है, मैं भी रॉन्ग, लेकिन इनपुट कॉस्ट, अब हम जब इनपुट कॉस्ट हमने इतनी बढ़ा दी और आउटपुट एश्योर्ड नहीं है तो उससे सुसाइड हुए। तो इनपुट ये ऐसा हम डेवलपमेंट, वैरायटल डेवलपमेंट इस ओर जाए कि वो कम इनपुट में भी थोड़ा मीडियम यील्ड दे दे, हाई यील्ड नहीं आ रही है तो। और अभी जो उन्होंने रिसेंट में GSR 17 करके निकाला है, उन्होंने वो 17 साल से उस खेत में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, जो उसको मैं देखा, और करीब 2.7 से 3 टन की यील्ड आई है अंडर नो फर्टिलाइजेशन एंड वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। उन्होंने 2 इरिगेशन दिए, उसके बाद सूखा छोड़ दिया खेत को, और उसी वैरायटी ने 6.4 to 7 टन की यील्ड दी है अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो इसका मतलब कि हमारी ऐसी वैरायटी डेवलप हो कि जो बाई चांस किसी गरीब किसान के हाथ में भी पड़ गई तो एटलीस्ट ठीक ठाक यील्ड हो जाए। यदि हाई यील्डिंग वैरायटी आपने उसको दी तो वो 0 यील्ड भी आ जाती है। तो हम ऐसा वैरायटी डेवलप करें कि जो मिनिमम इनपुट से ऑप्टिमम इनपुट, ऑप्टिमम यील्ड दे दे हमें, उस तरह की वैरायटी की मेरे ख्याल से। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन आम किसान को, यदि हमने उसकी इनपुट कॉस्ट कम रखनी है तो उस एंगल से भी हम लोगों को अपना काम करना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ ये होना चाहिए। उसके अलावा हमने, जैसे आपने कहा, फॉडर सीड पे जो है बहुत बड़ा स्कोप है और ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। यदि आपको यील्ड बढ़ानी है तो फॉडर सीड पे, उसमें हमने क्लियर लिखा कि फॉडर सीड के लिए एक मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। NSC उसमें शुरू कर दी है, लेकिन फॉडर सीड का भी इस देश में बहुत अच्छा मार्केट है और क्वालिटी फॉडर सीड किसानों को नहीं दिया जा रहा है। पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा में मेरा, अभी मैंने पिछले सीजन में कम से कम 7-8 मीटिंग्स की हैं फार्मर्स की, हमें हमारे डीलर्स के साथ में जगह जगह जाके, और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा जो इनपुट लोगों ने दिया है कि ये कम से कम 100-150 करोड़ का मार्केट है फॉडर का इन दोनों स्टेट में। तो आप यदि इसमें भी घुस गए तो आपका एक बहुत बड़ा ये आपको सोर्स मिलेगा। और मैं उसको बोल रहा हूँ, अभी भी अफ्रीकन डॉलर मेरे ख्याल से 72 या 73 की वैरायटी है, 60s की वैरायटी है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अफ्रीकन डॉलर। अभी आज भी आप जाओ तो जो 12 फुटा है जी चाहिए तो अफ्रीकन डॉलर है, उसका चूसी भी है, साइंटिस्ट लोग ज्यादा जाते हैं तो उसमें भी हमने। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे मल्टीकट सॉर्गम वगैरह की अच्छी वैरायटी आ रही है जो हाइब्रिड्स भी है IIMR की, तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी मैंने देखा कि इनकी कॉस्ट जो है, कई कंपनियां बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पे उनको बेच रही है हमारे उसको, पब्लिक सेक्टर के जो हाइब्रिड है या वैरायटी है, उसमें भी हम लोगों की अभी ध्यान दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी भी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए, जो कि आपने अभी एड्रेस किया था, क्योंकि वेजिटेबल में जो है बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है, तो क्यों नहीं इस पर आप लोग काम कर रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी आगे ध्यान दे रहे हैं। और इसमें हमने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है, जो अभी जो बात आपने बताया, हमने एक आइडिया ये दिया है कि 4-5 साल का सीड रोलिंग प्लान होना चाहिए। वो बन भी रहा है लेकिन वो सिंसियरली नहीं बन रहा है। सीड का जो रोलिंग प्लान होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपना सीड की रिक्वायरमेंट बनाए, और वो जो सीड रोलिंग प्लान बने, वो सीड रोलिंग प्लान वो अपने ब्लॉक से लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में आए और फिर स्टेट में आए, और उसमें एक कमेटियाँ बनाई जाए हर लेवल पे कि भाई वो सीड का जो, उसमें हमारा ये कहना था कि 70-80% करंट वैरायटी के लिए रख दीजिए और आने वाले जो भी है वो 20% उनको आप सीड रोलिंग प्लान बनाना चाहिए।
पाँच साल का नहीं तो तीन साल का कम से कम बनाइए, क्योंकि ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सर्टिफाइड में कम से कम तीन साल लगता है। तो सीड रोलिंग प्लान बने, सिंसियरली बने, आपके एरिया के लिए कौन सी तरह की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो है कमेटी का कंस्टिट्यूशन ऐसा हो कि सीड इंडस्ट्री का आदमी हो, के वी के हों, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हों, और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हों, सीड रोलिंग प्लान बने। एक बार यदि सीड का रोलिंग प्लान बन गया तो उसके बाद जो है वो अक्रॉस द टेबल बैठे स्टेट गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्री, और उनके यहाँ ऐसे तीन चार एजेंसी हैं, हमने उसमें किसी को बाहर नहीं किया। हम ये करें कि यदि स्टेट में आप चाहते हो कि भाई सीड रोलिंग प्लान है तो आप प्रायोरिटी दीजिए, नॉट नेसेसरली एनएससी को दीजिए, लेकिन आप अपना स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, आपके पास नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, और आपके पास प्राइवेट सीड ग्रोवर है जो रेप्यूटेड है, आप उनके साथ बैठिए और उनको बोलिए भाई कि आप जो है हमारे को अगले साल 1 लाख क्विंटल के बीज की जरूरत है, कम से कम आप 80 लाख क्विंटल तो 1 लाख में से 80,000 क्विंटल तो आप 80% कि भाई ये मेरे लिए प्लाना बनाएगा, ये प्लाना बनाएगा, ये प्लाना बनाएगा, कौन बनाएगा उस सीड को। तो ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई प्रेशर आता है किसानों का, आप प्रेशर डालते हैं, और भाई आपको स्टेट गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि आपको जो सीड मिलेगा वो कौन देने वाला है, आपको सीड को किस पे आपने जिम्मेदारी डाली हुई है और कितनी जिम्मेदारी डाली है। तो ये सब चीजें जो है ये आप सीड का रोलिंग प्लान बना के उसके बाद आप एक एमओयू करिए जो आपके पास जो सीड के सप्लायर है, और उस एमओयू के तहत आप उनको बांधिए कि आपको इतना इतना सीड हमको देना पड़ेगा, ये वेरायटी हमने छाटी है, ये हमसे, और टू वे होना चाहिए एमओयू। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का प्रूफ नहीं आया तो वो जो है सीड खरीदे, उसमें उनको यदि नहीं खरीदना है तो उसको आगे जो उसमें जो डिफरेंस हो कमर्शियल प्राइस और सीड का वो संभव आपको कहीं ना कहीं उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। तो ये भी एक सजेशन हमने दिया था कि भाई आप एमओयू के थ्रू आप यदि सीड कर देंगे तो इससे क्वालिटी सीड अवेलेबल होगा किसानों को। अचानक आप यदि बोलेंगे अच्छा तो आपका क्या हो रहा है कि भाई अचानक आया तो कहीं से पूछा क्या पूछा और वो भाई आपको सप्लाई हो रहा है। दूसरा क्या होगा कि इसमें जो मिसमैच ऑफ वैरायटीज हो रहा है, अब आज की डेट में भी आपको मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे सीड प्लान कर रहे हैं, हम पिछले साल का देखते हैं कि पिछले साल क्या था, प्लस ICAR से हमने पूछा कि भाई आपने कौन कौन सी नई वैरायटी निकाली, तो हम उसके बेसिस पे अपने आप सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बसलते अभी हमने NSC में चेंज कर लिया कि हम अपने रीजनल मैनेजर के साथ MOU कर रहे हैं कि किस रीजनल मैनेजर के लिए कौन सीड बनाएगा और उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन वो भी अपने असेसमेंट ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें किसी ने बोला है कि हमारे लिए ये सीड बना दो, एक्सेप्ट 3-4 स्टेट गवर्नमेंट दे हैव कम फॉरवर्ड, हमने वहाँ MOU कर लिए हैं, पर इन जनरल जो है यही ट्रेंड है कि हम अपने हिसाब से सीड पैदा कर रहे हैं तो वैरायटी मिसमैच हो रहा है। अब किसान को चाहिए एक्स वैरायटी मैंने बनाई है, वाई वैरायटी, वैरायटी मेरे पास है, सीड है, लेकिन वो नहीं है जो वो चाह रहा है या जो स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है, एक चीज। दूसरा क्या होता है कि मेरे पास सपोज 15 लाख क्विंटल बीज होता है, मैं उसको पूरा सर्कुलेट कर देता हूँ सारे स्टेट्स को, सर्कुलेट कर दिया सब, अब उन्होंने हर एक बोलता है हाँ जी NSC के पास है, NSC जो पहले आता है मैं उसको पकड़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा तो अपना ये है कि भाई मेरी बैलेंस शीट खराब ना हो, तो मैंने जिस स्टेट ने पहले आया वो सीट उसको पकड़ा दिया। दूसरा स्टेट वाला बोलता है आपने दिखाया था जी स्टॉक, तो भाई हमने तो उसको दे दिया। तो ये सारा ऐसा हो रहा है कि किसी का कोई अश्योर्ड नहीं है कि NSC से उसको माल मिलेगा। जब रीजनल कॉन्फ्रेंस होती है उस समय हम अपनी अवेलेबिलिटी सबको बांट देते हैं सीजन के पहले में, पर सीजन में जब रियल रिक्वायरमेंट होती है तो किसी स्टेट को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यदि ये MOU रहेंगे तो हमको ये पता है भाई ये माल इस स्टेट का है, ये माल इस स्टेट का है, ये हम इनको देंगे, ये हमारा हम दूसरे को नहीं देंगे, और हमारा रिस्क कवर ये है कि यदि उसने नहीं उठाया और यदि मुझे वो कॉमर्शियल बेचना पड़ा तो बैलेंस अमाउंट वो स्टेट देगी। तो यदि इससे ही होगा तो इससे एक तो हमारा एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगा और एक सीड का रियल प्लान बनेगा और सीड की क्वालिटी बनेगी, क्योंकि उसको भी मुझे भी पता है कि सीड कहाँ पैदा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट वाले को पता है मेरा सीड यहाँ पे बन रहा है, तो वो आज चाहे तो जाके देख ले उसको प्रोडक्शन के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग हो जाएंगी यदि हमने सीड की प्रॉपर रिक्वायरमेंट असेस कर ली और प्रॉपर MOU होने लगी है। मुझे लगता है कि इस एरिया में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और इससे सीड का सिस्टम काफ़ी कुछ बदलने की मुझे चांसेस है। सेक्रेटरी साहब ने भी 2-3 चिट्ठियाँ भेजी हैं हमारे पहले सेक्रेटरी साहब ने, करंट सेक्रेटरी साहब को भी मैंने ये कहा साहब इस पे हमें रियल में यदि काम करना है, सीड की क्वालिटी बनानी है और मिसमैच करके यदि आपने, आप देखो स्टेट गवर्नमेंट का कितना नॉन सीड में जा रहा है, NSC का माल कितना नॉन सीड में जाता है, क्योंकि वैरायटी मिसमैच होता है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो
तो ये किसानों को यदि क्वालिटी सीड देना तो हम लोग एमओयू के लिए आगे विशेष ध्यान दें। सीड प्रोड्यूसर का अभी भी दो दिन पहले हमने सीड इंडस्ट्री के लोगों से मेरी चेयरमैनशिप में मीटिंग की है, अभी तक सीड प्रोड्यूसर की कोई क्वालिफिकेशन ही डिफाइन नहीं है। तो वे सीड प्रोड्यूसर कौन होगा क्या होगा उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सीड प्रोड्यूसर को हर एक आदमी ऐसा नहीं जो चाहे वो सीड प्रोड्यूस कर ले कैसे कर ले, उसके पास क्या मिनिमम मैन पावर है, उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कहाँ से वो ब्रीडर सीड ले रहा है, क्या ले रहा है, ये सब एक कमेटी बनेगी और उसको सीड प्रोडक्शन का सेपरेट से लाइसेंस दिया जाएगा। अदरवाइज अभी जो है इसका कोई प्रोविजन नहीं है। सीड प्रोड्यूसर के लिए उसके अलग से सिलेक्शन होगा, अलग से क्वालिफिकेशन होगा। सीड ग्रोवर्स जो हमारे हैं उसमें भी बहुत बड़े इश्यू जा रहे हैं। सीड ग्रोवर का जो है एक सीड ग्रोवर चार जगह अपना नाम सर्टिफाई करा ले रहा है। अब वो मैंने कहा इसको वेबसाइट पे डलवाइए कि सीड ग्रोवर का जो है वो वेबसाइट पर है, ताकि पांच कंपनियां हैं उसने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने मूंगफली जो है ग्रो कराई आगरा में, वो मूंगफली सीज कर दी उन्होंने उस ग्रोवर की, हमने वो बड़ी मुश्किल से रिलीज कराई, पता चला उसने आंध्र प्रदेश सीड कॉरपोरेशन को दे दी। मैंने जब चेक कराया है कि भाई ये सीड मेरा था, ये आंध्र प्रदेश सीड कॉरपोरेशन को कैसे चला गया, ये कैसे सर्टिफिकेशन तो मेरे नाम पे था, पता चला कि वो जो है चार जगह सर्टिफिकेशन था। तो वो मेरा ही सीड जो है जब मैंने रिलीज कराया उसको एपी सीड कॉरपोरेशन वालों ने अच्छा पैसा दे दिया, उसने उनको पकड़ा दिया। तो इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब मुझे पता है कि उसके पास चार हेक्टेयर जमीन है, वो चार हेक्टेयर जमीन में तो चारों एक ही एजेंसी को ले रहा है, किस किस को ले रहा है। तो उसके लिए भी हमने अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो भी आप सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी डालें चाहे सीड प्रोड्यूसर डालें, वो जो है इसका इसमें इसमें सिलेक्शन जो ग्रोवर का होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो डिजिग्नेटेड होना चाहिए। क्योंकि यदि एनएससी का सीड ग्रोवर है तो वो जो है उसके पास यदि दो ही एकड़ लैंड है और एनएससी ने कर रखा तो दूसरे को कैसे उसने दे दिया। तो ये सारा चीज़ें इससे भी क्या होगा ट्रांसपेरेंसी आएगी और सीड जो है वो उतना ही सीड दे पाएगा जितना कि उसमें वेबसाइट में लिखा हुआ है, वही सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी चाहे सीड प्रोड्यूसर है वो उसको दे दिए। अगला जो इश्यू हम इसमें ला रहे हैं कि सीड ग्रोवर का जो पेमेंट होगा वो जो है सीड ग्रोवर के ही नाम से जाएगा, डायरेक्ट उनके खातों में सीड ग्रोवर का पेमेंट जाएगा। तो इससे सीड की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ताकि जो बीच में जो सीड के जो ऑर्गेनाइजर शॉर्ट ऑफ थिंग है या ये है ये सब जो है उसमें से हटाना पड़ेगा, तभी सीड की क्वालिटी इसमें बनेगी। इससे जो सीड स्पूरियस सीड आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यदि सीड ग्रोवर के नाम से सीधे पेमेंट आ रहा है तो इसका मतलब कि वो अकाउंटेबल मनी रहेगी और सीड के पास किसान के पास ही जाएगी। तो एक तो किसान को फायदा होगा, दूसरा क्वालिटी ऑफ सीड इंप्रूव होगी, क्योंकि कभी बाई चांस क्या होता है कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने कहा ऑर्गेनाइजर है उसके पास 100 किसान है, तो उसने उन 100 का जो है 10 क्विंटल की आई बाई चांस यील्ड, क्योंकि एग्रीकल्चर है 9 क्विंटल आ गई तो 1 क्विंटल वो जो है बीज मार्केट से घुसा देता था उसने, तो वो जो है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि 9 क्विंटल यदि आई तो 9 क्विंटल के जो 10 किसान है उन्हीं के नाम पे जाएगा, तो बीच वाला जो करता था वो धंधा बंद हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमने अपनी रिपोर्ट में दी है कि ये जो है इसमें जरा कंटिजेंसी प्लान बनना बहुत जरूरी है। और उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि सपोज बीज आया और बाढ़ आ गई या सूखा आ गया, उसके बाद सूखने के बाद फिर बरसात हो गई और सीड की जरूरत है, तो उसमें सीड बैंक स्कीम चल रही है लेकिन काफी इफेक्टिव नहीं है, तो उसको कंटिजेंसी प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पास जो है क्वालिटी सीड बना रहे इनकेस जो थोड़ा इनिशियल में क्रॉप गेल हो गई तो दोबारा उसमें वो चला जाए। इस पे भी हम लोगों ने अपने सजेशन दिए और हम इस पे लगे हुए हैं। ICR से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जो है जो भी ब्रीडर सीड बनेगा वो आपके फार्मों पे ही बनेगा, क्योंकि कुछ एक क्रॉप्स में ऐसा देखा गया कि जिनका क्वांटम ज्यादा था वो ICR के बाहर भी उन्होंने सीड ग्रोवर्स के यहाँ या किसी फार्म के बोल रहे थे। हमने कहा साहब इसको भी बंद कराइए और मेरे ख्याल से ICR ने ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि सीड जो ब्रीडर सीड बनेगा वो ऑनली रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो भी गवर्नमेंट के फार्म्स हैं उन्हीं पे आप क्वालिटी का ब्रीडर सीड बनाइए तो वहाँ पे ये होगा, इससे चलेगा। सीड प्रोसेसिंग के प्लांट्स का जो है पब्लिक सेक्टर में पर्टिकुलरली अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स बहुत पुराने हैं, हमारे सीड टेस्टिंग ड्राइव के काफ़ी इश्यूज है, उस पर भी हमने उनको कहा है। अब आई बात जो अभी प्राइसिंग की बात हो रही थी, प्राइसिंग में बहुत बड़े इश्यूज हैं और
इस पे हम लोग पर्टिकुलरली जो हाइब्रिड के नाम पे या इवन एक पब्लिक सेक्टर की वैरायटी भी वो हर लोग अपने अपने नाम से बना के और वो किसानों को जो है काफ़ी हाई प्राइस में दी जा रही है, उस पर काफ़ी इश्यूज उठे थे। कल की मीटिंग में भी हमने जो भी जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे इंडस्ट्री के, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी यार ये काम मत करिए आप कि जो भी वैरायटी है आप उसी के नाम से बीजिए। MTU 1010 सपोज धान की वैरायटी, अब तो मैं गोरखपुर गया था तो कम से कम 5-6 नाम से बिक रही। तो हमने कहा कि भाई ये काम मत करिए, उसको आप ठीक है क्वालिटी के नाम पे बट आप उसकी हाई प्राइसिंग मत करिए और रिसर्च वैरायटी के नाम पे कोई भी प्राइसिंग ले रहे हैं तो ये गलत है। इस पर गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से काफ़ी सीरियस व्यू ले रही है, कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट ने तो बैन भी कर दिया कि रिसर्च के नाम पर कोई भी वैरायटी नहीं बिकेगी इस पर। तो प्राइसिंग का मेजर फैक्टर है और प्राइसिंग पे हमने ये कही, मैं आपको बता दूं मैं अपना मेरा अनुभव है, अभी हमने इस बार हमने हरियाणा और पंजाब में स्पेशल मस्टर्ड की कंपेनिंग की थी और हमारी एक HAU की और भरतपुर की 2-3 वैरायटी हैं, उनकी यील्ड अच्छे अच्छे हाइब्रिड से 2 क्विंटल ज़्यादा है, 746 उसको मैंने पूछा है, मेरी मीटिंग में आया था तो मैंने कहा आप हमारा भी सीड बनाते हो, उनका भी बनाते 85 रुपए उसको सिर्फ दिया जाता था सीड ग्रोइंग का, जो हाइब्रिड का 85 रुपए किलो, और जब मैंने उसका मार्केट में पता किया लास्ट ईयर 500 रुपये था, इस बार 699 रुपये का 1 kg बिका हाइब्रिड का। हमने इस बार हम जो 70 रुपये में बेचते थे हमने थोड़ा कंपेनिंग भी की है, लेकिन मैंने इस बार उसका रेट 120 रुपये रखा 70 रुपये वाले का, और मैंने डीलरों को मैंने डीलर की जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा यार तुम जो है जो 600 रुपये का उस समय तो 550 का ही रेट था, मैंने कहा आपको 550 के जो थैली है उस पर कितना रुपये मिलता है, तो बोलते बोले कि 30 रुपये मिलता है। तो मैंने कहा चलो मैं इस बार मैं भी 30 रुपये आपको देता हूँ, लेकिन आप मेरी 120 की थैली बेचना, और जो क्योंकि मैं अपने 70 रुपये से मैं 10 रुपये मैंने कोटिंग कराई और 30 रुपये उनको दिया, मैंने अपना जो है 120 रुपये में 110 से 120 में हमने बेचा इस बार मस्टर्ड। तो फिर भी हमें किसानों को कन्विंस करना पड़ा कि भाई ये वही मस्टर्ड है चिंता मत करो, लेकिन लोग प्राइस के पीछे भी भागते हैं जो भी है। पर हमने मतलब अपनी कंपेनिंग की और इस बार हमने बोली, इस बार हम 400-500 क्विंटल हरियाणा में हमारी सेल लगभग 0 थी मस्टर्ड, इस बार हम 500 क्विंटल हरियाणा और पंजाब मिला के बेचे हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी हमने उसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी आपने कहा कि कई रेस्ट्रिक्शंस थे, मिनिस्ट्री बोलती है कि आप प्रॉफिट मत करिए कम दीजिए, DPE हमको बोलती है कि भाई हमको इतना % प्रॉफिट चाहिए चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर में CMD की हालत ऐसी होती है कि वो 2-3 मिनिस्ट्रियों के अंडर में होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज अलग होती है, उनकी अपनी मिनिस्ट्री अलग होती है, तो हमारे MOU टारगेट होते हैं और उसमें हमने वो अचीव करना होता है, उस अचीवमेंट में जो है DPE का ज़्यादा रोल होता है, इतना % आपको प्रॉफिट देना है इतना है, तो हैं वो इश्यूज हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को एक रिजनेबल प्राइस रखनी पड़ेगी और उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। मैंने इस बार करीब 3 करोड़ की हमने सिर्फ सीड कोटिंग मशीन खरीदी है ताकि मैं भी जो है सीड कोट करके उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और टेरी वालों ने एक टेक्नोलॉजी लाया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर कोट कर दो उसमें जीप वगैरह प्लस उसमें इसके माइक्रोराइजा और इसके स्पोर्स जो है उन्होंने पैटेंट कराया है तो उसको हम लोग कोटिंग कर रहे हैं। तो यदि वो कोट हो जाएगा तो एक किसान को एक रिजनेबल प्राइस पर हम लोग देंगे, पर मैंने एक ये भी देख लिया कि जब प्राइस आप यदि ज़्यादा ही नीचे रखते हो तो लोग जो है दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये भी है, तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उसमें हम लोगों ने अपनी कंपेनिंग शुरू कर दी है, जीप कंपेन पोस्टर लगाना ये सब काम हमने अपने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक दिक्कत क्या थी कि हम लोग जो है अब आप सरप्राइज करोगे कि NSC में कोई मार्केटिंग कैडर नहीं था, SFCI में कोई मार्केटिंग कैडर नहीं था, सिर्फ हम लोगों के पास सीड ऑफिसर होते थे सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, तो हमारे वही उन्हीं का काम सीड प्रोडक्शन होता था, उन्हीं का काम जो है मार्केट में बेचना होता था, तो इस बार हमने अब सेपरेट कैडर बना दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को आपने बीट करना है तो आपके पास वही हवाबाजी करने के लिए एक मार्केट की चैनल होनी चाहिए और आपको वही करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि यील्ड एनहांसमेंट इतना नहीं है जितना बोला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एक माहौल सा बन रहा है और उसकी तरफ जो है किसान
चला जाता है कि भाई ठीक है ज्यादा कीमत क्या है ये बहुत ही अच्छा होगा, और उसी सेम टाइम पे पब्लिक सेक्टर की वैरायटी को कोई ठीक है साइंटिस्ट ने वहाँ छोड़ दिया कि मैंने वैरायटी बना दी। उसके बाद हमारी जो स्टेट सीड कॉरपोरेशन है एमएससी है उनकी ड्यूटी ये है कि सरकार से ऑर्डर आ गया तो दे दिया, नहीं ऑर्डर आया तो नहीं दिया। पर हमने मार्केटिंग की तरफ या उस तरह का पब्लिसिटी करने का कोई विचार नहीं बनाया। उसका विशेष सर्किल है, हमारी प्राइस इतनी कम है कि हम जो है ज़्यादा उसको मार्जिन नहीं देते थे, उसको जिसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता था वो उसी को बेचता था। हम जो है इतने कम मार्जिन था हमारा कि हमने पब्लिसिटी का काम करना बंद कर दिया कि हम जो है ना गांव में जाते थे ना हम अपनी जीप को घुमा रहे हैं ना कोई कंपेनिंग कर रहे हैं ना कहीं पोस्टर लगा रहे हैं ना कहीं बैनर लगा रहे हैं, इवन ये क्रॉप लिटरेचर तक लोग देते नहीं थे। आप लोगों के जो भी विचार होंगे हम जरूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और कैसे हम फार्मिंग कम्युनिटी का मदद कर सके। और मेरा ये भी मानना है कि एनएससी की स्थापना सिर्फ जो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जो मैं अपने लोगों को बोलता हूँ नेशनल जॉब कॉरपोरेशन नहीं है, ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन है। तो पब्लिक सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि हम जिस लिए बनाए गए हैं हम उस काम को जरूर करें और उसमें हम आप लोगों के सबसे सुझाव जो भी होंगे उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विद्वान लोगों के बीच में एक राजनीतिक व्यक्ति का वक्तव्य कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं सुन रहा था कि जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के बीच में झगड़े रहते हैं प्राइस इंडेक्स के, यहाँ तो गुड साहब ने बताया कि हमारे पास सीड बहुत रहता है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये इसमें मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप करने की जरूरत है। जहां तक एग्रो इंडस्ट्रीज का संबंध है, मैं हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्री का चेयरमैन जरूर हूं और मैं कई बार चुना कर्नाटक सब अधिकारी बैठे हैं। देर इज नो एग्रो, देर इज नो इंडस्ट्री, इट इज ओनली ए कॉरपोरेशन। Excuse me. And though it is a corporation where there is no cooperation. सही सर, मुझे क्षमा करना, मैं क्योंकि विद्वानों के बीच में कोई ये कोई पॉलिटिकल भाषण का विषय नहीं है, और मैं अगर हरियाणा से आता हूं तो इसलिए मैं हरियाणा की इस सारी बात को एक शब्द में कहकर के इसको खत्म करूंगा। संपूर्ण प्राणी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है संपूर्ण प्राणी अन्न से है, संपूर्ण प्राणी अन्न से है, अन्न होता वृष्टि से, वृष्टि होती यज्ञ से, और यज्ञ शुभ कर्मों की शुभ सृष्टि से। ये जो अन्न के लिए जो आप शुभ कर्मों की जो शुभ सृष्टि रच रहे हैं, जो इस तरह की ये राष्ट्रीय कन्वेंशन आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये शुभ कर्म है आपके। आप चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से देश का खाद्यान्न बढ़े, किस तरह से सीड्स किसानों को मिले, किस तरह से अन्नदाता की हम सेवा कर सकें, कौन कौन सी ऐसे हर्डल्स हमारे बीच में हैं जिनको हम आधिकारिक तौर से साइंटिस्ट जो लोग बैठे हैं उनके माध्यम से, पॉलिटिकल लोग बैठे हैं उनके माध्यम से हम इसकी सेवा कर सकें। आपका बहुत ही अच्छा प्रयास है, मैं आयोजनकर्ताओं को इसके लिए साधुवाद देता हूं। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है जो निश्चित रूप से इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब राज्यों में सबसे पहले एक बार इंडस्ट्री के विचार कर लेते हैं। इंडस्ट्री से हमारे पास तीन चार पार्टिसिपेंट्स यहां पे बैठे हैं, आप अपना कंपनी का नाम और परिचय देते हुए एक बार जो है इस पे जो भी बात कहना चाहेंगे। सर हम जो सीड इंडस्ट्री वाले हैं, अब एक ही सोचते हैं कि फार्मर इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, वो वही सीड लेगा जो उसके लिए अच्छा होगा, पैसा ऊपर नीचे कर सकता है, उसको क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, अच्छा सीड होना चाहिए और उसको उसका मार्केट प्राइस जो उसका प्रोड्यूस है वो अच्छा मिले।
बस सरकार से तो इतना ही है कि एक तो प्रोड्यूसर उसका रेट अच्छा मिल जाए और दूसरी क्वालिटी सीट देने की जिम्मेदारी आप कुछ कहना चाहिए कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री का ये सर एक पॉइंट रहता है हमेशा कि प्राइसिंग शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट नंबर वन। सर दूसरा पॉइंट इसमें थोड़ा सा जो हम लोगों को इशू आ रहा है सीड लाइसेंसिंग का स्टेट्स के अंदर, सर हर स्टेट के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सीड के, तो एक सर यूनिफॉर्मिटी जो है सेंटर के थ्रू अगर हो सकती है तो ये सर हमारा लॉन्ग टर्म एक रिक्वेस्ट है कि एक यूनिफॉर्मिटी उसमें टेस्टिंग की मेंटेन की। एनएससी में हुई थी, सारे इश्यूज हमारे आए हैं और इनको हमने अभी पूरी इंडस्ट्री को 5 दिसंबर तक की डेट दी है। 5 दिसंबर तक जो भी इश्यूज हैं, कल मेरी प्रभा कर राव साहब से भी बात हुई थी तो आपकी जो है ना ये एफएसएसआई वाले उनसे भी बात हुई है, ये इश्यूज आ रहे हैं। हमने महाराष्ट्र स्टेट वाले भी थे मेनली वही के इश्यूज थे तो कल डिस्कस किए हैं, मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं ये जो इश्यूज आए वो हमको भी पता चले तो अच्छा रहेगा ना। इश्यूज ये थे कि जो मैडम का ये कहना है जैसे कि उसमें ये था कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना रूल बना रही है तो उसके हिसाब से एक हम ऐसा करें कि आप एक मॉडल रूल बना दीजिए और उसमें सब स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट ले लें तो सबको एक जैसा ही हो जाएगा। जैसे सपोज ये बात आई थी कि जैसे महाराष्ट्र वालों ने और गुजरात ने मेरे ख्याल से ये किया कि जो भी आप वैरायटी यहाँ लाओगे वो पहले आप हमारे स्टेट में उसको टेस्ट करिए, तो उनकी बात कहीं तक हमारे ये कहा ठीक है उनकी बात भी कि भाई वो टेस्ट होनी चाहिए तभी तो आप रिकमेंडेशन, तो उसमें हमारा ये कहना था कि भाई आपने सपोज कोई वैरायटी आपने महाराष्ट्र में बेचनी है तो पहले आपने कहीं ना कहीं टेस्ट की होगी, तो उनका ये कहना था हमने टेस्ट की लेकिन हमारी टेस्टिंग को नहीं मान रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर को मतलब स्टेट जो आईसीआर का इंस्टीट्यूट है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनके पास आप करवाइए और वो हमको दो दो तीन तीन साल तक रिजल्ट ही नहीं दे पाते हैं, तो इससे जो अच्छी चीज़ है वो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है टाइम से। तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई अब ऐसा करेंगे जैसे उनसे ये कहा कि आप इसको और इश्यूज भी आप लाइए, इसको हम ऐसा करेंगे कि हम आईसीआर को पूछेंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप कितने और इन पे आईसीआर क्या करती है कि जगह जगह ट्रायल देती है, तो उस हिसाब से फिर हमने ऐसे ही कुछ जो है PPVFRA अथॉरिटी में जैसे वो अपनी वैरायटी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो वो अभी तक कर नहीं पा रहे थे तो उनको भाई रजिस्ट्रेशन में इतना टाइम लग रहा है, तो उसी ने PPVFRA वालों से पूछा कि क्या इश्यूज है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसे जितनी फैसिलिटी हैं डस्ट टेस्टिंग की डिस्ट्रिक्ट है वो यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी उनके जो टेस्टिंग सेंटर होते हैं वैरायटी के वो उनको वो इन्हांस कर रहे हैं, तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज थे ऐसे। उनका ये कहना था कि हर स्टेट अपने हिसाब से कोई 2 लाख मांग रहा है टेस्टिंग के लिए, कोई 1 लाख में कर दे रहा है, कोई 4 लाख मांग रहा है ये जो इंस्टीट्यूट है जो टेस्टिंग के, तो वो इस तरह के कई इश्यूज थे। बट बेसिकली जो मैडम प्राइसिंग का था उसमें हमने कल यही कहा कि हमको भी जो है ना
एक मॉडर्न प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। अब हम यदि वियतनाम घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और सेक्टर में तो चल जाएगा, किसानों के लिए थोड़ा सा ये हम कम करें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो हमारे भाई साहब ने बोला कि भाई ये हर साल रिसर्च के नाम पे आपने इस साल भेज दिया, अगले साल आप फिर दूसरी वैरायटी को रिसर्च के नाम पे लेते हो, फिर तीसरी वैरायटी को तीसरे साल रिसर्च के नाम पे आ गए, तो वो बेचारा किसान जिसने एक्चुअल देखना है, और वो बोला इस साल तो हमने ये वैरायटी डाली, अगले साल आपने उसको दूसरे वैरायटी दी रिसर्च के नाम पे, तो उस चक्कर में आ जा रहा है। बेस्ट इकोनॉमिस्ट तो है, लेकिन कुछ एक कंपनियां ऐसा काम कर देती कि उसको हर साल नया नया प्रोडक्ट लेके आके और उसको गुमराह कर दे रहे हैं, तो वो सब बातें देने की। दूसरा मेरा उनको ये कहना था कि यदि हम किसान को 85 रुपये दे रहे हैं अपने वैरायटी का सीड ग्रो करने के लिए, तो आप उसका दुगना तिगुना ले लो अपने खर्चे उर्चे लगा के, पर आप 85 रुपये का 600 रुपये कर दो, ये भी थोड़ा सा रिजनेबल नहीं। तो हम लोगों को आपस में बैठ के सोचना चाहिए कि एक रिजनेबल प्राइस है। मैंने कहा मुर्गी का अंडा खाओ, हलाल करने की कोशिश मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम में आओगे, आज नहीं तो कल सभी। तो क्योंकि किसान को यदि हलाल कर देंगे हम तो ठीक है, किसानी छोड़ रहा है लोग, तो आगे किसको बेचोगे? जो बीटी कॉटन का हुआ आज क्यों हुआ? आपने 2000 रुपए बोला, उसने 8000 कमाए, आपने कहा जी उसने तो 2000 रुपए दिए, 8 कमा दिए, आज क्या हुआ? 700 रुपए आ गए ना। तो आप उसको यदि हम, मेरा ये कहना है कि यदि हम उसको 1200 रुपए देते रहते तो वो 800 रुपए उसकी तरफ जाने दो, यदि आपने हमारा 800 में 1200 में भला हो जा रहा है। दैट वाज माय पॉइंट कि हम उतना रख ले एकदम से एकदम ना चूस ले, दैट वाज द पॉइंट। जी डॉक्टर, ऐसा है कि जो बातें वो सामने की वो ठीक है। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इंडेट नहीं आता ब्रीडरशिप, और वो जब जाती है एनएससी या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास, जब उनको कहा भी सीड चाहिए हमें, जब उनके पास सीड नहीं होता तो वो टेंडर कॉल करती है, टेंडर में देंगे को फॉर लो प्राइस, एंड यू आप कब समझ लीजिए लो प्राइस और क्वालिटी कैन गो टुगेदर। अब लो प्राइस में सीड पता नहीं क्या है, उसका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था, ब्रीडर से कहाँ से लिया, फोर्टी से सीड कहाँ से लिया, जो जैसा वो मिल गया। दूसरा जो उनका रोलिंग प्लान जो था भाई, हिंदुस्तान के अंदर पहले तो 5 प्लान बनती है सीड के लिए, 3 साल तो आपका सीड चेन में आ जाता है कि सीड की कम से कम 3 साल तो ये निकाल दे, कोई वरायटी डेवलप होगी तो 3 साल तो सीड प्रोडक्शन चेन में रहेगी, तो उसके बाद आप कहते हैं कि एक वरायटी की लाइफ ही 10 साल है। अरे एक वरायटी पॉपुलर कुछ वरायटी है सी 306 है जैसे मैं कहूँ, वो आज भी चल रही है, आज भी हिंदुस्तान में चलती है, कुछ वरायटी ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तो अच्छी वरायटी है नेशनल इंटरेस्ट की है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, उसको सीड चेन से ये डालना चाहिए, और उसको गवर्नमेंट उस तरीके से ट्रीट करे जो प्रेफर्ड वरायटी बाय द फार्मर्स एंड पब्लिक सेक्टर कंज्यूमर में। तीसरी बात ये ना कि अगर एनएससी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग then monopoly of the price will continue. To check it, we have to make them strong. उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टाइमली इंडेंट दे ब्रीडर सीड का, तो एनएससी भी साथ साथ इंडेंट देगी। और ब्रीडर सीड का तो शॉर्ट सप्लाई होता है, क्यों होगा? एक ब्रीडर सीड प्रोड्यूस कर दिया, सीड लिफ्टिंग नहीं हो रही, जब सीड लिफ्टिंग होगी लॉट ऑफ एक्सपेंसिज इन्वॉल्व सीड प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड फाउंडेशन की, तो उसमें यूनिवर्सिटी उस साइंटिस्ट की पकड़ लेती है, तो सीड प्रोड्यूस किया था नहीं रिका रिकवर फ्रॉम दिस चैलेंज, हु इज रिस्पांसिबल? तीसरा यह है कि वी हैव टू इनकरेज लोकल प्रोडक्शन लोकल मार्केट। जब तक लोकल प्रोडक्शन लोकल मार्केटिंग नहीं होगा सीड सप्लाई को यू कैनॉट फास्टन इट। टू फास्टन द सीड सप्लाई यू हैव टू गो फॉर लोकल प्रोडक्शन लोकल मार्केटिंग, और जो भी वैरायटी होती है हर एक स्टेट को पता है कि मेरी कंट्री इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड जोन वाइज, ईच क्रॉप हैज स्पेसिफिक जोन फॉर ईच वैरायटी, हर पता है ये वैरायटी हम रिलीज भी करते हैं, वो वैरायटी जोन वाइज भी होती है स्टेट वाइज भी होती है, तो किसको नहीं पता? लीडर को भी पता है, स्टेट लोगों को पता है कि जो भी कोई नई वैरायटी आती है स्टेट डिपार्टमेंट लोग आते हैं डिस्कस करते हैं
कि ये वैरायटी का डेटा प्रेजेंट होता है उनको, उनको मालूम है स्टेट डिपार्टमेंट को ये वैरायटी हमारी इस जोन के लिए है, तो व्हाई ही डजंट गिव द इंडेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट सी कॉर्पोरेशन और एनएससी, इतना एनएससी कर सकती है, इतना स्टेट सी कॉर्पोरेशन करती है, इतना ब्रीडर सी हमें चाहिए स्टेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चौथी बात क्या है जो हमने इनको इन्होंने कहा गौर साहब ने कि गुड वैरायटीज ऑलवेज वैरायटीज रीज द गुड never individual media. Yes. And not in a single university where the group of breeders are allowed. अब ये university के administration का fault है. Variety तो लगी चार breeders हैं, उन्हें उसको transfer कर दिया. अब university के vice chancellor तो political party है. Don't mind it please. Those are back in this position. They transfer him. Just क्योंकि वो जब उसको transfer किया crop का सत्यानाश हुआ. तो जब crop का उसका नाश हो रहा तो crop का क्या देखेगा? Have you protected his interest? No, you know, but you are not protecting his interest. जब उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है कुछ ब्रीड ऐसे भी हो और सीड मिक्स कर भी चले जाएंगे, हो सकता है ये वैरायटी गौर साहब की है, ये साईदास की है, अच्छा मेरे को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मैं इस सीड के ऐसे पैसे करता हूँ, मेरे को नाम है इसी मोल में और मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो इसलिए कुछ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन है और कुछ बात ठीक है, वी हैव टू मेक अवर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग टू हैव अ कंपटीशन विद द प्राइवेट सेक्टर, डिमांड प्राइवेट सेक्टर आल्सो। आज प्राइवेट सेक्टर तो नहीं होता तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारी कहीं नहीं, वी आर गेटेड फूड टू द मार्केट। अब रही क्वालिटी की बात, अब एक चीज का प्राइस एक नहीं रख सकते, क्यों? कि क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी बेस पर भी होता है प्राइस। एक का प्रोडक्टिविटी है पोटेंशियल हाइब्रिड का 10 टन है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, एक का 8 टन है उसका प्राइस अलग होगा, उसका टेस्ट वेट होता है, एक का टेस्ट वेट 1000 दाने के अंदर 100 ग्राम है, एक का टेस्ट वेट 1000 दाने में 200 ग्राम है, तो देयरफॉर द प्राइस प्रोडक्टिविटी टैक्सी बेस एंड डिमांड प्राइस प्राइस आर सेम। थैंक यू वेरी मच। हमने किया था कि भाई सीरियस नहीं है लोग ब्रीडर सीड के इंडेंट में, तो अब हमने ये कहा है उसमें कि ब्रीडर सीड का जब इंडेंट आएगा तो उसमें 25% एडवांस का प्रोविजन रखो, तो कम से कम जो इंडेंट दे रहा है वो जब वो पैसा उसका जाएगा तो वो भी अकाउंटेबल होगा। और उसमें 25% मैंने इसलिए कहा था सकते कि ब्रीडर सीड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एटलीस्ट कॉमर्शियल रेट पे ही ब्रीडर को बेचना पड़ा, दैट इज लॉस टू द कंट्री, पर वो कम से कम उतना परसेंट तो उनका रिकवर हो जाएगा। मैं गाइड कर दूं जी, हमने अच्छी कंपनी कहा कि ब्रीडर सीड का हमने डबल कर लिया और उसका 50% आपको जमा कर रहा हूँ कंपनी को, एंड दे डिड इट। और हमने कहा 125 रुपये रेट है तो आपको 125 रुपये रेट जमा कराएंगे और जब ब्रीडर सीड उठाएंगे तो आपको 250 रुपये देना होगा। उसमें क्या होगा कि लिफ्टिंग श्योर होगी और जब कॉस्टली सीड जाएगा तो सीड प्रोड्यूस भी करेगा और उस प्रोडक्शन चेन में भी आएगा। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब मेरा MOU का भी कल पॉइंट आया था, आपका बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज ऐड करवाई है, हमने एक स्टडी की मेरे ख्याल से IIHR का कुछ एक वैरायटी थी, हाँ मैंने एक वैरायटी सिर्फ टेस्ट कराई है, अर्का रक्षक का उन्होंने सिर्फ 5 लाख या 10 लाख रुपए लिया प्लस कुछ और थी, मैंने उसकी स्टडी कराई क्योंकि उसमें मैं काफी डीप में गया। अर्का रक्षक आप यदि आप एनालाइज करोगे वो वैरायटी इस देश में IIHR बेच रहा था 20 से 21 हजार में, NHRDF बेच रहा था 22 हजार में, और प्राइवेट का जब मैं स्टडी किया और मिनिस्ट्री को दिया तो 80 हजार से लेके हाईएस्ट कॉस्ट वाज 1,10,000 रुपए केजी। तो मैंने उसमें ये कहा कि भाई ये तो सरकार के पैसे से बनी है ना वैरायटी, आपने 5 लाख ले लिया सपोज, तो मेरे ख्याल से 5 या 20 लाख कुछ ऐसा सर, उसमें भी क्लास है क्लास है ऑलरेडी वेयर वी डबल द एमओयू अचीव दैट द प्राइस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट प्रोडक्ट विल नॉट बी एज पर इट्स ओन इविन, पर उसके लिए यूनिवर्सिटी कैन इंटरवेन एंड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट कैन इंटरवेन एंड देन दे कैन कैंसिल इट। पर मैंने ये अगला पॉइंट एक और मैं कहूं जी, एक पॉइंट आया था आपका कि जैसे एक वैरायटी नेशनल लेवल पर रिलीज हुई तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है उस वैरायटी को अपने पैकेट पैक्स में नहीं लाती, जो कि सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, चाहे पब्लिक सेक्टर की वैरायटी हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, दे शुड इमीडिएटली ब्रिंग देम इन देयर पैकेट पैक्स, जिससे क्या होगा जो टाइम 2 साल टेस्टिंग का बचता हो बचेगा जी। दूसरा ये है कि
because it has already generated by the breeder of the institution, breeder of the state. Why that variety should take another 2 years? So which is supposed to be made available in the next year to the farmer, which take another 3 years. और आपको पता है जब हाइब्रिड की लाइफ तो वैसे कम होती है अगर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस नहीं होता, इसलिए एक तो होना चाहिए कि जो वैरायटी नेशनल लेवल पे रिलीज हुई है उस वैरायटी को गवर्नमेंट को फीस चार्ज करने का कोई राइट नहीं है किसी स्टेट से या पब्लिक से या प्राइवेट से, वो तो स्टेट पे उनकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए क्यों उसका डेटा उसका ब्रीडर या एंटोमोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट पास ऑलरेडी है, ही हैज टेस्टेड इट, इस डेटा ही कैन प्रेजेंट इन वर्कशॉप टाइमली भी अवेलेबल हो जाती है और सस्ती भी रहती है, मतलब चाहे उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पैसा बचता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक विद्युत सेक्टर से बीज की पूर्ति करने के पूर्व दे शुड टैप ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर, कई जगह रह जाता है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट से कहा कि मेरे पास सीड है, आप ले जा रहे हैं, मैंने तो 2000 क्विंटल खरीद दिया है, हमसे पूछा भी नहीं, हमसे बात भी नहीं की, हमारे पास अवेलेबल है, वो वेस्ट हो गया पूरा। सो इट शुड बी मेड मैंडेटरी दे शुड टैप ऑल द रिसोर्सेज भैया, मत मानना, ये सारा ऊपर तक पैसा जाता है, पैसा ट्रेड बढ़ता है।